हमने पहले भी सुना है कि हाइब ने काफी प्लानिंग करी थी वी और जंको के करियर को बर्बाद करने की, और कहीं ना कहीं ये न्यूज भी सामने आई थी जहां पर पता चला था कि हाइब के काफी सारे प्लान्स हैं, जहां पर वो खुद ही बीटीएस की इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं और उसके बाद खुद ही उन पे केस करते हैं जो भी लीकर्स होते हैं, और उसके बाद उनसे पैसे ऐंठने की एक्टिंग करते हैं, और इस तरीके से वो अपने चार्ट्स को, अपने शेयर्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करके बीटीएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी खबर आर्मीज के सामने आई है और ऐसा एक सबूत मिला है जिसके बाद ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि सच में हाइब ने ऐसा कुछ किया है। और इसके बाद भी अगर कोई हाइब को डिफेंड करे और बोले कि वो एक अच्छी कंपनी है, तो शायद ऐसा ही माना जाएगा कि वो इंसान एक सपने में जी रहा है। तो दोस्तों, रिसेंटली सो जांग, जिसके ऊपर टे कुक ने केस किया था, उस यूट्यूबर ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, टे कुक ने रिसेंटली सोजांग के ऊपर केस किया था और उसके बाद उस पर काफी फाइन्स और पेनल्टी लगाई गई थी, क्योंकि वो काफी सारे बड़े बड़े के पॉप आइडल्स की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रही थी। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली पता चला है कि सोजांग ने अपनी रिपोर्ट और पोस्ट में बताया है कि उसके साथ एक बहुत ही बड़ी के पॉप इंडस्ट्री मिली हुई थी, जिसके बल पर वो ये सब कुछ कर पा रही थी। दोस्तों, सोजांग ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया है कि कुछ वक्त पहले पैसे देकर एक बहुत ही बड़ी केपॉप इंडस्ट्री ने उनके यूट्यूब के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लिया था, जिसके बाद उस कंपनी ने सोजांग के साथ मिलकर कई सारे केपॉप आइडल्स की इन्फॉर्मेशन को लीक किया और सोजांग को इसे बेचने के पैसे भी दिए। दोस्तों, रिसेंटली जो हाइप की ऑडिट हुई थी, जिसकी इंटरनल रिपोर्ट्स के बाद पता चला है कि हाइप कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से मिली हुई थी जो केपॉप आइडल्स की इन्फॉर्मेशन बेचने और खरीदने का काम करते हैं, उसी में ये भी पता चला था कि डीसी गैलरी नाम की एक बहुत ही बड़ी केपॉप इंडस्ट्री को हाइब ने खरीदा हुआ था, जो कि बीटीएस के मेंबर जिमिन जंगकुक की ही इन्फॉर्मेशन बेच रही थी। और अब पता चला है हाइब की ही रिपोर्ट से कि उन्होंने सोजांग के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और टे कुक की इन्फॉर्मेशन बेच रहे थे। यानी दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो टे कुक ने जिसके ऊपर केस किया क्योंकि उस यूट्यूबर ने टे कुक की इंसल्ट करी थी और वी ने ये बात बोली थी कि वो इसे सबक सिखा के ही रहेंगे, एक तरीके से वो उनकी खुद की कंपनी के साथ ही मिली हुई थी। यानी देखा जाए तो हाइब ने अपने ही आर्टिस्ट यानी बीटीएस को बड़ा धोखा दिया है और वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके बीटीएस का यूज कर रहे हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी प्राइवेट लाइफ को बेच रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। और दोस्तों, इस न्यूज़ को मिलने के बाद कई सारी आइडल्स और कई सारी केपॉप फैंस भी काफ़ी गुस्सा है, कई लोगों ने अपना डिससेटिस्फेक्शन भी बताया है, लेकिन अभी तक बीटीएस का इस पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया है और हाइप का भी कोई रिप्लाई सामने से नहीं मिला है। फिलहाल ये सब कुछ हाइप की रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही कहा जा रहा है, और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि सोजांग तो है ही झूठी, तो उसकी बातों पर डायरेक्टली विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या व्यूज है, कमेंट्स में जरूर लिखना, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।